गाइस आज के दौर में हर कोई ऑनलाइन अर्निंग कर रहा है, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता है कि ऑनलाइन अर्निंग होती कैसे है। मसला यह है, जो लोग ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, लेकिन वो किसी को बताते नहीं हैं कि ऑनलाइन अर्निंग वो कर कैसे रहे हैं। सो इसलिए मैंने सोचा कि आपको एक सिंपल सा तरीका बता देता हूँ, क्योंकि आप लोग खुद अपना काम करोगे, अपनी मेहनत करोगे तो अपनी अर्निंग करोगे, तो मेरा क्या जाता है। सो आज हम बात करने जा रहे हैं ब्लॉगिंग की। सो ब्लॉगिंग आप बिल्कुल फ्री में शुरू कर सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको पूरा तरीका बताऊंगा कि कैसे आप अपना ब्लॉग फ्री में बना सकते हो। ब्लॉग बनाओगे तो उसमें अपनी पोस्ट करोगे, तो फिर आप एडसन से अप्रूवल करवा के तो बहुत जल्दी आप अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। एड्स लगा के ब्लॉग पे आप अपनी अर्निंग कर सकते हो। सो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक देखना, अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, और अगर अच्छी ना लगे तो डिसलाइक कर देना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइज अब हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुके हैं। सबसे पहले आपने क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। और यहाँ पर blogger.com पर आपने क्लिक करना है, या यहाँ पे आप सिंपल टाइप कर लें blogger.com। सो गाइज अब हम ब्लॉगर पे आ चुके हैं। सबसे पहले तो ये ब्लॉगर फ्री वेब, यहाँ पे हम अपना डोमेन नेम और सब कुछ वगैरह हमें फ्री में मिलेगा। होस्टिंग भी फ्री में मिलेगी और डोमेन भी फ्री में मिलेगा। सो सबसे पहले हमें यहाँ पे साइन इन करना पड़ेगा। साइन इन कर लेते हैं। सो गाइस साइन इन ये आपके जीमेल अकाउंट से होगा, तो जिस अकाउंट पे आप ब्लॉग बनाना चाहते हैं तो उस अकाउंट पे, उस जीमेल अकाउंट पे आप क्लिक कर लें, यहाँ पे सर्च कर लें, उसी को लगा लें। पे आपने जिनका ब्लॉग बनाना है वहाँ पे, यहाँ पे उसका नाम लिखें, तो यहाँ पे हम से कहते हैं फर्स्ट ब्लॉग। यहाँ पे अपने ब्लॉग का आपने टाइटल देना और यहाँ से नेक्स्ट कर लेना है। ये अब यहाँ पे आपने ब्लॉग का एड्रेस डालना है। blogspot.com ये साथ आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम blogspot में अपना ब्लॉग बना रहे हैं और यहाँ पे फ्री बन रहा है, तो ये डोमेन नेम आगे इनका साथ आएगा और होस्टिंग इनके पास ही रहेगी जो हमें फ्री में मिल रही है। यहाँ पे आप अपने ब्लॉग का एड्रेस डाल दें जिस नाम पे आप बनाना चाहते हैं। तो ये कह रहा है सॉरी दिस ब्लॉग एड्रेस इज़ नॉट अवेलेबल, तो ये इस नाम पे पहले किसी ने बना लिया है तो इसलिए ये अवेलेबल नहीं है। तो ये अवेलेबल है, इस नाम से ब्लॉग हम बना सकते हैं, ये अवेलेबल है। यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा कि ये नाम अवेलेबल है या नहीं है, क्योंकि ये फ्री में है तो लोगों ने कुछ भी किसी नाम से बनाए हुए हैं बहुत से, तो फ्री में है इसलिए हर कोई यूज़ करता है, तो आपको पहले यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। यहाँ से नेक्स्ट कर लें। तो ये बता रहा है कि अपने ब्लॉग का नाम बता दें जो आप, जिस नाम से आप बनाना चाहते हैं जो लोगों को डिस्प्ले होगा, तो वो यहाँ पे सिंपल हम फर्स्ट ब्लॉग लिख लेते हैं। तो यहाँ से आपने सिंपल फिनिश करना है। तो ये हमें अपने ब्लॉगर में ले आए। तो गाइस सबसे पहले आपने यहाँ पे थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है और डेस्कटॉप साइट पे क्लिक करना है। सो गाइज अभी हमने अपने ब्लॉग पे कोई पोस्ट नहीं की, तो इसलिए कह रहा है सॉरी देयर इज नो पोस्ट, देयर आर नो पोस्ट। सो गाइज ये हमारा ब्लॉग, इसके हम ओपन करके देख लेते हैं।
तो सबसे पहले हम इस पे न्यू पोस्ट करते हैं। यहाँ पे पोस्ट का कोई भी आप टाइटल लिख लें। तो यहाँ पे नीचे आप पूरी पोस्ट लिख लें जो भी आपने लिखनी होगी। तो यहाँ पे आप पब्लिश कर लें, कंफर्म। सो गाइस, अब हमारी पहली पोस्ट पब्लिश हो गई है। तो हम सिंपल लास्ट पे जो व्यू ब्लॉग है हम उस पे जाते हैं। तो अभी हमारा ब्लॉग कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। ये हमारा ब्लॉग अभी हम इस तरह से हैं, तो इसके हम बहुत सी कस्टमाइज़ करेंगे तो फिर आपको समझ लग जाएगी। तो वापस बैक पे जाते हैं। तो यहाँ पे अपने सेटिंग में क्लिक करना है। तो ये ब्लॉग की कुछ सेटिंग है, ब्लॉग का टाइटल आप फिर से चेंज कर सकते हो। और बगैर ये सब सेटिंग आप देख लें या आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे तो आपको सब पता चल जाएगा। तो यहाँ पे ब्लॉग का थीम हम चेंज कर लेते हैं। तो गाइज, हमें यहाँ पे बहुत सारे फ्री के थीम्स मिल रहे हैं, यहाँ से हम कोई भी थीम सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर हम गूगल से डाउनलोड करके भी इसको अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से कोई भी हम थीम फ़िलहाल चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो भी आपने करना है उस पर, जो भी आपने थीम करना है उस पर सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ से आप अप्लाई कर लेंगे तो न्यू थीम अप्लाई हो जाएगी। तो वापस हमने ब्लॉग व्यू में जाना है और इसको रिफ्रेश करना है। तो हमारा ब्लॉग कुछ इस तरह का आ चुका है। तो गाइस, इसमें हम बहुत सारी और भी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। तो लेआउट में आते हैं। तो लेआउट में हमें हेडर में क्या दिखाना है, फुटर में क्या दिखाना है, कहाँ पे क्या दिखाना है, वो सब चीज़ हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अबाउट में हमने कहाँ दिखाना है, ये सब चीज़ें हम लेआउट में सेटिंग कर सकते हैं। लेआउट में सेटिंग बहुत सारी हम कर सकते हैं। तो ये आप जो चीज़ जहाँ पे रखनी होगी वो आप उस हिसाब से कर लें अपने हिसाब से। तो उसके बाद अर्निंग पे आते हैं, जो सबसे मेन पॉइंट है कि ब्लॉग लोग क्यों बनाते हैं। लोग ब्लॉग बनाते हैं, ब्लॉग से अर्निंग करते हैं। तो जब हम अर्निंग पे आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा जी स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम एड्स। तो यहाँ पे हम गूगल के एड्स लगाते हैं एडसेंस से अप्रूवल करके। तो वो ऐड हम यहाँ पे लगाते हैं, वेबसाइट पे दिखाते हैं, जो भी विज़िट करता है वो हमारी वेबसाइट पे जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो देखता है। साथ में जो एड्स नज़र आ रहे होते हैं वो एड्स व्यू पे हमें अर्निंग मिलती है। तो ये इतना जल्दी ब्लॉग जो ही क्रिएट करोगे तो साथ ही वो अप्रूव नहीं हो जाएगा, कुछ पोस्ट आपको डालनी पड़ेंगी। दो चार दिन आप अच्छी पोस्ट डालें, फिर ट्रैफिक जब आ जाएगा तो तब आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा। क्रिएट एडसन अकाउंट, एडसन का अकाउंट यहाँ से क्रिएट होगा तो साथ ही आप यहाँ से अप्रूव करके अपना ब्लॉग अप्रूव करके अर्निंग कर सकते हैं। तो ये ब्लॉगर गूगल के प्रोडक्ट है तो यहाँ ये बहुत जल्दी अप्रूव देगा आपको, तो अर्निंग बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाती है। इसलिए लोग पहले ब्लॉगर से शुरू करते हैं और फिर अपनी वेबसाइट बनाते हैं। सो गाइस, हमारा ब्लॉग बन भी चुका है और सेटिंग भी आपने देख चुकी है। तो आप अपने हिसाब से जो सेटिंग करनी हो, कस्टमाइजेशन करनी हो कर लेना।
और थीम्स आप गूगल से कहीं से भी डाउनलोड करके वह यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं किसी भी किस्म का। तो अच्छी कस्टमाइजेशन करके ये बहुत प्रोफेशनल वेबसाइट बन सकती है ब्लॉगर से। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।